अरीज तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? नहीं चेक नहीं किया, बहुत काम है नाजिश। शाम वाम छोड़ो, हमें एग्जीबिशन के लिए जाना है, भूल गई? देर हो गई, आर्ट गैलरी बंद हो जाएगी। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? पेंटिंग्स खरीदने की तो हैसियत है नहीं, अपना मजाक ही उड़वाऊंगी वहां जाकर। अरे तो तुम चलो ना बस। और तुमसे किसने कहा कि जो भी आर्ट गैलरी जाएगा उसके लिए पेंटिंग खरीदनी जरूरी है? कुछ चीजें पैशन के लिए भी की जाती, कुछ चीजों को देख के सुकून मिलता है, जैसे मुझे तुम्हें देख के मिलता, लेकिन इस हालत में नहीं। अब जाओ जाके चेंज करो। अब्बू से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहना, असल मसला ना तुम्हारी वो अम्मा है। कुछ कह रही थी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज बहुत सारे काम पड़े हैं, जाके समेटो। वो मैं कह रही थी, मैं अरीज को लेने आई थी, हमारा बाहर जाने का प्लान था। अच्छा, ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूँ ना, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। जी अम्मी, मैं भी यही कह रही थी कि अभी तो बहुत काम बाकी है, वो कर लेती हूँ। अरे भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक भाई। कोई कस्टर्ड और है थोड़ा सा तो खिला दो, बहुत ही मजे का बना है आज। इतना मीठा ना खाया करें, अगर बिस्तर पर पड़ गए तो कौन करेगा देखभाल? बेटा तो पहले ही अलग हो गया है और पीछे रह गई हम औरतें। अंकल मैं अरीज को लेने आई थी, एक एग्जीबिशन का प्लान बनाया, अगर आप इजाजत दे दें तो। बिल्कुल ले जाओ, क्यों नहीं, जरूर जाओ भाई। अरे सीमा बच्चियां जाती कहां है, अच्छा है ना जाने दो, बल्कि साहिबा को भी लेके जाओ साथ। साहिबा कहीं नहीं जाएगी, इसको जहां जाना है जो करना है करे, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी। मैं जो काम बचे हैं वो कर लेती हूँ मम्मी। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पैर सलामत है मेरे, पहले भी तो मैं ही देखती हूँ ना घर को, अब भी देख लूंगी। तुम जाओ जहां जाना है तुम्हें। चलो जाओ, कपड़े अपने बदलो और जाओ। कपड़े मैं बाद में चेंज कर लूंगी, पहले जो काम बचे हैं वो कर लूंगी, तुम थोड़ी देर वेट कर लो प्लीज। हाँ श्योर, तुम चेंज कर लो। तो जल्दी करो जल्दी। और बेटा? वाह भाई वाह, बाहर घूमने जाना है तो हाथों में जैसे बिजली भर गई हो, इतनी तेजी से काम हो रहा है। सुनो, बर्तन धोने के बाद रोटी भी डाल देना, तुम्हारे अबू के हलक से चावल नहीं उतरते। जी डाल दूंगी। और हाँ, हो कल से मासी 1 महीने की छुट्टी पर है, सारा कुछ खुद देखना पड़ेगा। घूम लो जितना घूमना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है, पहले तो कभी नहीं देखा। अम्मी की है, आज पहली दफा पहनी। वाह भाई वाह, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए क्या छोड़ के गई है, तुमने हमें तो नहीं बताया, या फिर ये समझू कि अब तुम दिखाना चाहती हो। बड़ी जो हो गई हो, जोर तो दिखाओगी।